जो हमने सबसे पहले जो करतार डिलक्स मॉडल लिया वो 2019 में लिया, 2019 गेहूँ सीजन में लिया था। हाँ जी, ठीक है जी। और जब हम बुकिंग करने के लिए आए, हमारे को बुकिंग करने में मशीन में भी कोई दिक्कत नहीं आई, और जब हम यहाँ से डिलीवरी ली मशीन की, उस टाइम भी कोई हमारे कोई समस्या नहीं। 2019 से आप मतलब चला रहे हो मशीन? हाँ जी। 2019 से जो चला रहे हो मशीन, यही लोकली चलाते हो अपने? हाँ जी, लोकली चलाते हैं जी। और किसी भी तरह की मशीन में किसी भी तरह के हमारे को कोई समस्या नहीं। जैसे जो 6 गियर वाली मशीन आपने ली है जी डिलक्स, हाँ जी, बाकी 5 गियर वाली जो एस वी मॉडल है, हाँ जी, तो दोबारा आपने डिलक्स ही चूज करे? हाँ जी। तो ये डिलक्स ही खरीद रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अभी सही खत्म हो गया, सही का सीजन अभी 24 का स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, गेहूँ का सीजन जी 2024 मॉडल आप लेके जा रहे हैं? हाँ जी। तो मतलब आपने क्या देखा जी, कि वो 5 गियर में और इसमें डिलेक्शन जो आप चला रहे हैं मशीन, हाँ जी, आपके हिसाब से क्या फ़र्क रहा जो आपने दोबारा डिलेक्शन चूज करी? इसमें एक तो ये है कि इसमें पेड़ का खर्चा बहुत ही कम है, नाम मतक है। अच्छा जी। हाँ जी, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। कटाई इसकी बहुत बढ़िया है जी। ठीक है जी। हाँ जी, और हमको मॉडल बहुत अच्छा लगा, ये दोबारा फिर हमने यही मशीन चूज की कि हम इसी मशीन को लिए। कितना खर्चा आता है जी रिपेयर में? हमारा हर साल तकरीबन जो आता था जी, हर सीजन में 10-12 हज़ार का खर्चा आता है। अच्छा जी। हाँ जी, जिसमें कि हम बैरिंग भी अपनी मर्जी से बदली करते हैं। ठीक है। जो देख लिया कि हमने भी ये बैरिंग घिस चुके हैं, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम नहीं आया कटाई के वक्त, हम पहले ही उसको बदली कर देते हैं। और अच्छा, बहुत बढ़िया चल रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ये जो सबसे अच्छी बात है ना इस गियर बॉक्स की, जैसे कि टिप्पर, इसके जो दांदे है ना, टिप्पर जा रही है, टिप्पर है दांदे, और मशीनों के मुकाबले वो मान लो ज्यादा टूट, बैरिंग भी टूटने खतरा, वो गरारी भी जल्दी घस जाती है। मान लो करतार में एक फैसिलिटी अवेलेबल है जो टिप्पर में दांदे है, उसकी वजह से गियर बॉक्स में 5 साल हो गए आज तक, तो 1 रुपए की भी मान लो आप ये नहीं कह सकते भी, एक सिंगल बैरिंग में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। गियर बॉक्स और रिडक्शन की अगर बात करें, आप बोल रहे हैं तो सिंक्रोमैस गियर है जो टेपर दांते होते हैं, तो जैसे ट्रैक्टरों के गियर की टेक्नोलॉजी होती है, वही टेक्नोलॉजी इस गियर में दी गई है। मतलब आज तक 8-9 सीजन में आपको गियर में कोई काम नहीं करना। 1 रुपए मान लो आप ये नहीं कह सकते भी एक नट की भी कोई प्रॉब्लम आई है भी, एक नट भी खोल के डालना पड़ा, मान लो ऑयल लेवल है जो उसको मेंटेन रखते रहो आप, ठीक है, मान लो एक थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। इतने मतलब अच्छी क्वालिटी का इसमें जो मटेरियल है गियर बॉक्स में लगा, वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। गियर ऑयल मतलब आप चेक करते रहते हो? हाँ, रेगुलर। मान लो जैसे भी हम एक सीजन के बाद, जैसे कि उसको मान लो लेवल बीच में भी 10-15 दिन बाद आपको मान लो जो लेवल है वो चेक करना चाहिए। ठीक है। हाँ, वो करते रहेंगे तो आज 5 साल हो गए हैं, मान लो 10 सीजन पूरे लग गए, 10 सीजन पूरे लग चुके हैं, उसमें थोड़ी सी भी कोई नेग्लिजिबल है, सील तक की लीक की प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो डीलक्स मशीन 6 गियर वाली मशीन है, जो किसानों का कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जो सवाल रहते हैं किसान भाइयों के, कि भाई जो डीलक्स मशीन है आपकी, उसमें कुछ लोग डरते हैं कि गियर बहुत बड़ा गियर बॉक्स है जी, तो गियर में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसको कैसे हम खोलेंगे, फोरमैन डरते हैं सीट को खोलने के लिए। मतलब आपका कहने का मतलब इसको खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो डरने की जरूरत नहीं, नहीं है। तो इसको आपको हो सकता है खोलने की, 10 सीजन आपने चला लिया, आज तक आपने गियर खोल के भी देखा बस, लेवल चेक करने के अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं। मान लो अगर कोई प्रॉब्लम आती तो हम दोबारा से डीलक्स तो नहीं लेते ना? हाँ बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात। हाँ, किसान भाइयों को भाई साहब बता रहे हैं कि डीलक्स मशीन उन्होंने 10 सीजन चला लिया जी, 19 मॉडल से चला रहे हैं। तो जैसे कुछ किसान भाई डरते हैं कि डीलक्स का गियर बहुत बड़ा जी, सिंक्रोमैस गियर है, इसका काम करने में जो ड्राइवर हैं, जो फोरमैन है, वो थोड़ा हिचकिचाते हैं। फोरमैनों को भी रिक्वेस्ट है कि इसमें आपको भाई साहब ने देखो जैसे बताया कि 10 सीजन चलने के बाद इनको गियर में एक पार्ट भी चेंज करना नहीं पड़ा, किसी भी गियर में किसी एक सील तक की भी बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं आई। ये किसान का कहना है जी, हम नहीं कहते, कंपनी, कई बार किसान सोचते हैं जी कंपनी तो ऐसी कह देती है, तो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है 10 सीजन का मशीन चला चुके हैं, ये वो बता रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? जी,
तो यमुनानगर लोकल में चलाते हैं? हाँ जमुना अम्बाला जिला तो हमारा अम्बाला है जी। ठीक है, हम जमुना इधर उतले पास आ जाना, मशीन जी तोड़ रहे हैं। सीजन में आपका? सीजन में अप्रोक्सीमेटली आप पैडी का लगा लो आप 500 एकड़, 400 से 500 एकड़। ठीक है जी। और जैसे वीट का है ये 300 से 400 एकड़ के बीच में, 300-400 यानी 900,000 एकड़ आपका हर साल, मतलब साल में हो जाता है। अच्छा काम होता है, मतलब ये भी नहीं है कि थोड़ा काम करती है गाड़ी तो नहीं। फिर मान लो बीच में जैसे मस्टर्ड का सीजन है थोड़ा बहुत, ठीक है जी, हम आलू उसमें भी चलाते रहते हैं, 100-120 किलो उसमें भी निकलते रहते हैं। अच्छा, सरसों का काम भी आप करते हैं? हाँ जी। ठीक है, सरसों जो खड़ी काटते हैं या उसका? वो वैसे जो मालिक काट के निकालते हैं जैसे। ठीक है जी। तो वैसे आजकल चलती हुई भी निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, निकल नहीं, बस निकल जाती है उसमें कई बार। कुछ लोग पसंद करते हैं, जो कटवाने वाले हैं वो काट के रख लेते हैं, बाद में थ्रेशिंग कराते हैं। ठीक है, उसमें कोई सरसों में प्रॉब्लम नहीं? किस तरह की प्रॉब्लम? पूरा दाना अच्छा साफ आता है? अच्छे से साफ होता है दाना। और मालू किसी तरह की पीछे कह देते हैं बाल्टी के अंदर दाना आ रहा है वो भी किसी तरह की? खड़ी के अंदर भी दाना? नहीं, मतलब थ्रेशिंग सिस्टम और सफाई दाने की हर चीज़ आप जो बिल्कुल आपकी तसल्ली है। ठीक है जी, और कुछ कहना चाहेंगे दो शब्द आपकी कंपनी के लिए? बस हम तो कंपनी का बहुत शुक्रगुजार हैं जी, जिन्होंने इतनी अच्छी मशीन जो कि किसानों के लिए बनाई है और किसानों को ये मशीन लेने में ही भलाई है जी। क्योंकि है जी। इसमें एक तो खर्चा, रिपेयर का खर्चा नाम मात्र का है, जैसे कि बेल्ट कोई टूट गई ऐसा है कि कोई ज़्यादा वैसी रिपेयर नहीं है, नॉर्मल रिपेयर है जो कि हर एक किसान उसको पूरी कर सकता है। तो हमारी तो हर एक किसान भाई से ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मशीन है डिलेक्स मॉडल है, ये हमने 10 सीजन लगा दिए पहले, दोबारा फिर हम यही डिलेक्स मॉडल ही चूज कर रहे हैं। अगर इसमें हमारे को अच्छा लगा, जो बेनिफिट लगा हमारे को, जब भी हम इस मशीन को दोबारा खरीद रहे हैं, और कंपनी ने हमारे को किसी भी तरह की कोई समस्या आने ही नहीं दी। सर्विस कैसी रही थी आपकी, जैसे 5 सीजन में, पहले 4-5 सीजन में ज़रूरत पड़ती है, कभी आपने कंपनी में फ़ोन किया तो बंदे सर्विस के लिए आपके पास पहुंचे? हाँ, स्टार्टिंग में जिस टाइम हम मशीन लेकर गए, इसमें थोड़ी सी एक बेल्ट की तोड़ती थी ये मशीन, तो हमने इधर टेलीफोन किया, उससे नेक्स्ट डे हमारे